वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। तो आज की वीडियो कुछ स्पेशल होने वाली है क्योंकि हम आपको आज इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं प्रीना पैराडाइज में एक नए मेंबर के साथ। तो लेट्स मीट प्लूटो। हेलो, हाय करो प्लूटो। वो देखो प्लूटो हाय करो सबको। तो ये बीगल ब्रीड है प्लूटो, बहुत ही एक्टिव है ये। करीब 60 डेज का है, हो गया है ये अभी। हाँ, जब ये 40 डेज का था तो हम इसे लेके आए थे। हाँ, और अभी 20 डेज में ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना प्यार हमें इससे हो चुका है। हाँ, और नाउ ही इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हाँ, बहुत मतलब जब नहीं होता हम बहुत मिस करते हैं इसको ना। हाँ, अब आदत बन गया, सुबह उठ के जब हम उठते हैं ये साथ ही उठ जाता है हमारे साथ ही। जैसे मैं ऑफिस का काम करता हूँ तो साथ ही बैठ के लैपटॉप में देखता रहता है। मतलब बहुत ही आदत हो चुकी है इसकी। हाँ, बहुत ही प्यारा है। अभी हमें जाना था, एक्चुअली हमने सोचा था लॉन्ग ड्राइव पे कहीं जाएंगे, एक दिन स्टे करके आते हैं कहीं पे। तो हमें भी चंडीगढ़ जाने वाले हैं और हमें लगा कि हम इसे छोड़ नहीं सकते, तो इसीलिए हम इसको लेके जा रहे हैं साथ। हाँ, अभी इसकी पहली लॉन्ग ड्राइव है। हाँ, तो हमने पेट फ्रेंडली होटल बुक किया है, तो देखते हैं अभी कैसा इसका बिहेवियर रहता है और कैसा इसका रिस्पांस रहता है। तो लेट्स सी, अगर अच्छा रहा तो आगे इसको हम साथ ही रखेंगे हमेशा। हाँ, आगे की भी हम लॉन्ग ड्राइव्स में और हमारे होटल स्टेज में टूर्स में इसको साथ लेके जाएंगे। और अगर अभी जैसे ये छोटा है तो मे बी एडजस्ट ना हो तो देन वी मे इवन ऑप्ट फॉर डे केयर, पेट डे केयर जैसे सेंटर्स होते हैं। तो ये बस एक ट्रायल है एक तरह, देखते हैं, बाकी आपको अपडेट करते रहेंगे। आई एम इक्वली नर्वस। हाँ यार, बहुत टेंशन तो हो रही है। एक्चुअली ये अभी ये हमारा चू मॉन्स्टर हो चुका है, एज यू कैन सी हर चीज काटता है, हर चीज। ये देखो, ये ले, हर चीज काटता है, कुछ सब कुछ चाहिए खाने को। बीबी बीबी प्लूटो। सो फ्रेंड्स, हमारे प्लान में आज ये है कि पहले तो हम होटल में चेक इन करने वाले हैं, जो कि प्रोबेबली हम 12:30 तक पहुंच जाएंगे चंडीगढ़। उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद और प्लूटो को जो है उसकी फीड देने के बाद हम लोग लंच करने बाहर जाएंगे। देन अगेन वी गोना हैव सम रेस्ट एंड प्ले विद प्लूटो, और शाम को थोड़ा बहुत हम सिटी एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड विद अस। तो भाई, प्लूटो तो अभी फ़िलहाल आराम से सो रहा है, इसने अभी कोई परेशान नहीं किया हमें, और अभी देखते हैं आगे क्या करता है, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। तो गाइस, हमारे प्लूटो जी पहुंच चुके हैं अब होटल में, इन्होंने चेक इन कर लिया है और एक्चुअली थोड़ा परेशान तो कर रहा है, बट रास्ते में बहुत ज़्यादा मतलब आराम से स्मूथली हम लोग पहुंचे, आराम से चुपचाप शरीफों की तरह ये बैठा रहा पीछे। कोई इसने हमें टेंशन नहीं दी, कोई परेशानी नहीं दी, बस सोता रहा सारा टाइम, ही वाज स्लीपिंग। और अभी यहाँ आके फुल ऑन बदमाशी शुरू हुए, अभी प्लूटो खेल रहे हैं अपने टॉयज से। Pluto, my good boy. Pluto, come. Oh, Pluto. तो गाइज, अभी हम आ गए हैं वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग प्लेस ऑफ चंडीगढ़, जो कि है एलांटे मॉल। तो काफ़ी मॉल ये चलता है यहाँ पे, और काफ़ी हमेशा आपको भीड़ मिलेगी इवन वीकडेज पे भी। तो यहाँ से इसका एंट्री पॉइंट है, और यहाँ पे सिक्योरिटी चेक्स वगैरह होते हैं, और जब आप जैसे ही एंटर करते हो तो काफ़ी अच्छा एम्बियंस आपको देखने को मिलता है। बहुत सारे लग्जूरियस ब्रांड्स हैं यहाँ पे, और काफ़ी कुछ आपको मतलब मिल जाएगा। इवन आप हाई एंड शॉपिंग करना चाहो वो मिल जाएंगी आपको, हर तरह के ब्रांड्स मिल जाएंगे यहाँ पे। तो मतलब मेरा तो पर्सनली बहुत अच्छा मुझे लगती है ये प्लेस चंडीगढ़ में एक्सप्लोर करने के लिए। बट आज हम कोई शॉपिंग के उससे नहीं आए हैं कि हम शॉपिंग करें यहाँ पे या कुछ। वी जस्ट गोना हैव आवर लंच एंड रिटर्न बैक टू द होटल, क्योंकि हमारे साथ प्लूटो है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है हमेशा एक आपके पेट के साथ, तो हमें इसलिए उसका भी ध्यान रखना है। तो बस प्लान में अभी यही है गाइस कि हम थोड़ा यहाँ लंच करेंगे अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में। मैं आपको दिखाऊंगी वो कौन सा रेस्टोरेंट है यहाँ पे जो हमारा फेवरेट है, और उसके बाद वील रिटर्न बैक जैसे मैंने आपको बताया। तो गाइस, अभी हम यहाँ पर आ गए हैं, ये फूड कोर्ट। आपको मैं एक व्यू दिखाने के लिए टूर दे रही हूँ कि बेसिकली कैसा है यहाँ पे। तो ये फूड टूर जो इसका फूड कोर्ट है, इसमें एंडलेस ऑप्शंस है एक्सप्लोर करने को। मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ कजीन्स आपको मिल जाएंगे, और क्या नहीं है, मतलब आप सोचो तो आप यहाँ सब कुछ मिलता है आपके जो दिमाग में आएगा खाने को, यहाँ एवरीथिंग यू गोना गेट इट।
तो ये है बच्चों के लिए प्ले एरिया, इसको फन सिटी बोलते हैं, और यहाँ पे न्यूमरस आपको गेम्स और एक्टिविटीज़ मिल जाएंगी बच्चों के लिए। तो अगर आप बच्चों के साथ आए हैं तो श्योरली विजिट दिस प्लेस एज वेल। ये आपको फूड कोर्ट के साथ ही मिल जाएगी, थर्ड फ्लोर पे एलांटे मॉल के। उसके बाद हम लोग जिस रेस्टोरेंट की मैं बात करी थी वो है ब्रू एस्टेट, जो बहुत ही कमाल का रेस्टोरेंट है एम्बियंस के हिसाब से भी। इट्स अ काइंड ऑफ अ रेस्टोरेंट बार, और एम्बियंस बहुत अच्छा है, खाना बहुत अच्छा है, ओवरऑल सर्विस हमें बहुत A1 लगती है। तो हम आई थिंक थर्ड फोर्थ टाइम यहाँ जा रहे हैं। तो गाइस अब हम लंच करने के बाद अभी जा रहे हैं वापस होटल, और देखते हैं प्लूटो ने होटल के रूम में क्या क्या किया, क्या खुराफाती उसने करी हुई है। तो प्लूटो अभी बहुत ज़्यादा नॉटी हुआ पड़ा था और इसने मेरी हील्स ख़राब कर चुका है, इसीलिए अभी अपनी पपी आइज दिखा रहा है ऐसी। जब ये कोई शरारत करता है ना तो ये ऐसी ही हरकतें करता है, और इसीलिए अभी इसको थोड़ी देर मुझे टाई करना पड़ा है, नहीं तो आई यूजली डोंट टाई हिम, क्योंकि हट ही नहीं रहा है शरारतें करने, बहुत ज़्यादा नॉटी हो चुका है ये। हम लाए हैं बहुत सारे टॉयज हमारे प्लूटो के लिए, और जिनमें से कुछ के साथ ये अभी ऑलरेडी खेल रहा है। ये देखो ये प्लूटो हमारा जो है ये उससे खेल रहा है, खुद ही डरेगा। ये देखो ये ये इसको कुछ भी नई चीज पकड़ा दो ना बस ये ऐसे करता है। ये देखो ये खुद डर भी रहा है थोड़ा सा, देखो ये उसकी आवाज से ना डर रहा है। प्लूटो क्या हुआ प्लूटो, अब ढूंढेगा कहाँ गई प्लूटो। तो गाइज अभी शाम को हम लोग आए हैं सुखना लेक, और आप देख सकते हो उसका कितना स्प्लेंडेड व्यू है यहाँ, और आप यहाँ बोटिंग भी कर सकते हो। यूजुअली लोग यहाँ सनसेट देखने आते हैं, तो इसके टाइमिंग्स होते हैं सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक। तो आप कभी भी यहाँ चिल आउट करने आओ, रिलैक्स करने आओ। आपको यहाँ पे खाने के भी बहुत आउटलेट्स मिल जाते हैं, मतलब वो लोकल रेस्टोरेंट है बेसिकली, कुछ ऐसा नहीं है कि कोई ब्रांडेड है या कुछ है, लेकिन आपको यूजुअली खाना यहाँ अच्छा मिल जाता है। तो आप अपनी यहाँ इवनिंग अच्छे से स्पेंड कर सकते हो फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तो गाइज़ अभी हम आए हैं जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन में, ये आपको सेक्टर 16 के एरिया में मिल जाएगा, अराउंड 30 acres में ये डिवाइडेड है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स मिल जाएंगे। ऑल दो बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस मत रख के जाना कि मतलब बहुत ही कमाल के आपको कुछ फूल, मतलब फूल पत्तियाँ मिलने वाले हैं, मतलब उतने जो जिस हिसाब से पिक्चर्स गूगल पे आपको मिलेंगी वैसा व्यू यहाँ नहीं देखने को मिलता, बट स्टिल काफ़ी अच्छा लगता है, ग्रीनरी है, और मतलब फोटोग्राफी के अच्छे स्पॉट्स आपको मिल जाएंगे। तो उस हिसाब से ओवरऑल अच्छा है। एंट्री फीस है इसकी 50 rupees और टाइमिंग्स हैं 6 AM to 8 PM। तो अब हम आ गए हैं होटल में वापस, और प्लूटो के साथ थोड़ा खेलेंगे हम भी, ये तो खुद वैसे लगा हुआ है खेलने, और अभी हम लोग रेस्ट ऑफ द इवनिंग प्लूटो के साथ स्पेंड करेंगे, और यहीं हम लोग डिनर करेंगे और प्लूटो को भी डिनर देंगे इसका। तो कल सुबह हम लोग चेकआउट कर रहे हैं, अभी हमने थोड़ी सी प्लेसेस एक्सप्लोर करी हैं चंडीगढ़ में, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिप था, और कल सुबह आपको बताएंगे कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा फर्स्ट टाइम विद अवर पपी। तो आज प्लूटो का मन अपना बेड छोड़कर हमारे ट्रैवल बैग पर सोने का है, और ये लगा हुआ है उसको खाने, उसको नोचने, अभी देखते हैं क्या करता है। यहाँ सोता है कि अपने बेड पर सोता है कि शायद हमारे ही बेड पर आएगा सोने। तो गाइस आज हम चेकआउट कर दिया हमने होटल से, और आप तो देख ही रहे होंगे वीडियोस प्लूटो की क्या क्या इसने हरकतें करी है होटल में बहुत ही मस्ती करी है। बट एक चीज़ बोलूँगा, मतलब बहुत ही स्मूथ रहा है, इतना इसने तंग नहीं किया हमें होटल में, इतना हमें एक्सपेक्टेड नहीं था एक्चुअली। हाँ एक्सपेक्टेड तो बिल्कुल नहीं था, मैंने कहा यार बहुत तंग करेगा ये, क्योंकि एक ही कमरे में बंद है। घर में तो क्या है कि एक से दूसरे कमरे में चले गए या लॉबी में चले गए या छत पर चले गए, तो वहाँ पे इसको स्पेस मिलती है थोड़ी इधर उधर घूमने, ड्राइंग रूम में चले गए, सोफे पे बैठ जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा लिमिटेड स्पेस है, बट फिर भी इट्स अ गुड एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से, और नाउ वी आर कॉन्फिडेंट दैट वी कैन कैरी हिम अलोंग साइड। हाँ, और एक्चुअली अभी हम इसको बाहर लेके नहीं जाते, तो इसलिए हम जहाँ पे भी साइट सीइंग के लिए गए तो हम साथ लेके नहीं गए, क्योंकि अभी इसको एक्चुअली एडवाइजेबल नहीं है, इसके वेट ने अभी एडवाइज नहीं किया कि ये बाहर घूमे। तो अभी हम पार्क वगैरह गए थे और मॉल वगैरह गए थे, बट इसको हम साथ में नहीं लेके गए, इसको रूम पे छोड़ दिया 1-2 घंटे के लिए, बट सही था, मतलब कुछ इसने बाद में मतलब कुछ हरकत नहीं करी।
तो अगर आपके पास भी कोई पेट है और अगर आप कुछ देर छोड़ के भी जाना चाहते हैं तो आप उसको उसकी फीड और वाटर और टॉयज वगैरह के साथ आप छोड़ के एक दो घंटे के लिए जा सकते हो, और बाकी जब हम आते हैं तो इसके साथ फिर पूरा खेलते हैं, मस्ती खेलते हैं। हाँ, फिर बहुत बहुत पीछे पड़ता है हमारे खेलों मेरे साथ, क्योंकि अकेला रहता है ना। तो हेलो प्लूटो, देखो प्लूटो बाय बाय कर दो सबको। चलो फिर प्लूटो सेइंग साइन ऑफ फॉर द डे, फॉर द डे, एंड इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।